10 मई 2024 को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया के जंगलों में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 31 लाख के 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। इस एनकाउंटर में आईडी की चपेट में आकर एसटीएफ के एक जवान और डीआरजी के एक जवान यानी कि दो जवान जख्मी हो गए और वहीं इस एनकाउंटर में 3 नक्सली जख्मी भी हुए जिनका इलाज जिला चिकित्सालय बीजापुर में चल रहा है और उसके साथ ही एक ग्रामीण और जख्मी हुआ है, इनका भी इलाज बीजापुर जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इसके साथ इस पूरी घटना के बाद पुलिस के इन दावों की पड़ताल करने के लिए मैं पीड़िया गांव पहुंचा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर बस्तर जंक्शन के दर्शकों को ग्राउंड के हालात दिखाऊं। मैं करीब शाम 4 बजे जिला मुख्यालय से निकला और अभी शाम के करीब रात के करीब 8 बजने वाले हैं। मैं पीड़िया गांव जैसे ही पहुंचा वैसे ही चारपाई को उल्टा कर यहाँ पे एक नाबालिग युवक को लाया जा रहा था। जब इनसे बात किए तो इन्होंने जो कुछ कहानी बताई, ग्रामीणों ने जो कुछ कहानी बताई, उस कहानी को सुनकर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आया, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोए। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज मैं आपको नक्सली और पुलिस के बीच चल रहे इस युद्ध में आदिवासियों पे ढाए जा रहे जुल्म की कहानी लेकर आया हूँ। दरअसल मैं यहाँ जैसे ही पहुँचा तो एक युवक को उल्टा चारपाई कर इस जगह लाया गया। पूछने पर बताया गया कि उस एनकाउंटर के दौरान इनके पैर में भी गोली लगी, जांग के हिस्से में 2 गोलियां लगी हैं और एडी के ऊपर घुटने के नीचे हिस्से पे 1 गोली लगी है। जांग के ऊपर लगी 2 गोलियों में से 1 गोली बिल्कुल चीर कर निकल गई और दूसरी गोली बहुत संभावना है कि इनके जांग में फंसी हुई है। क्या कुछ हुआ था इनके साथ उस दिन, बात करते हैं। चूँकि गोंडी में ही बात करते हैं, ये क्या मोटू नाम है ना? जी सर, मोटू अवलम। मोटू अवलम जो है गोंडी में ही बात करते हैं और मेरी गोंडी ऐसी है कि मैं समझता जरूर हूँ मगर बोल नहीं पाता, तो साथ में अनुवादक भी रखे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राकेश अवलम। राकेश इसी गांव के रहने वाले हो? जी सर। क्या लगते हैं मोटू आपको? भाई लगते सर। सगे भाई हैं? जी। अच्छा, इनकी उम्र क्या है? 15 है सर। 15 जी। अच्छा, इनसे पूछो कल ये किस वक्त घर से निकले थे और क्या हुआ इनके साथ, क्या करने के लिए उस इलाके में गए जहाँ पे पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था, पूछो। आज मत्ते में ले गए कल आगाज मत्ता नो आके कोई दिन काज मत्ता पुलिस इर वत्तर इकड़ जंत किम पड़ोत्तर जंत किम पड़ोस नाला पैरिंग की सपड़ उत्तर पैरिंग की सपड़ उसना ना के मेरे को सहमत तुम आके इरुम को सहमत तो पैर की ना ना के पैरिंग की ने दौड़ी ना नेक दम मरता मेरे न चढ़े पैर एक पड़ता मुंह टूटा पड़ता चुना ना चन ओचता समय थी पैर गांज जा रहे ना कलड़ते नहीं ता। अच्छा, क्या बोल रहे हैं राकेश जी? सर, वहाँ 2 जन गए थे पत्ता तोड़ने के लिए, वहाँ पुलिस लोगों को घेरा करके इन लोगों को मारे, इनके साथ वाले भाग गए, इधर उधर से घेरा करके इधर से पब्लिक को भगा के ले जागे ले गए, लेने के बाद इन लोग वहाँ मारे, उसके बाद इसको पुलिस वाले मारे। जी सर, जी सर, उसके बाद इसको गोली लगने के बाद नशा हो गया सर, इसलिए इसको अभी आवाज नशा हो गया सर। नशा मतलब बेहोश हो गए? जी जी, बेहोश हो गया सर जी। और फिर इसको छोड़ के कैसे गए, ये वहाँ पे कैसे बचे रहे? जी सर, वहाँ सुपाते सर, सुपाए सर, इसलिए अभी इसको ढूंढ के देखे मैंने, फिर हम लोग कौन ढूंढ कर देखो? पुलिस लोग सर, पुलिस लोग वहाँ ढूंढ के देखे मैंने सर, बाकी लोगों को मार के लेके गए मैंने सर। जी अच्छा, वहाँ पे नक्सली थे क्या जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ है? नहीं है सर, वहाँ नक्सली लोग। तो पुलिस तो बोल रही है कि उन्होंने 12 नक्सलियों को मार गिराया, 31 लाख के इनामी थे वो। नहीं सर, उन लोग पूरा जान यहाँ पता लाए थे, यहाँ से भगा के उधरी लेके गए हम।
अच्छा जी जी, उसमें तो बासागुड़ा के इलाके से भी लोग हैं, कोरचोली से भी लोग हैं, यहाँ पत्ता तोड़ने क्यों आएंगे इतने दूर से लोग? जी सर, उधर से भी लाए, सरोदरी से भी जी, इतवर से, इतवर से यहाँ से तुमनार। कल किस वक्त पे ये आप लोगों को वहाँ पे मिले? जी सर, हम लोग गए थे ना वहाँ, कोई कोई है होगा बोल के हम लोग गए थे, ये वहीं रोते रहते रहे थे। अच्छा जी, तो अभी तक कोई दवा या कुछ ऐसा कुछ लगाए हो जिससे इनको दर्द से थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा आराम मिले? इसके सर हम लोग वहाँ से डो के लाए सर, यहाँ दवाई हुए नहीं लगाए सर, हमको कहाँ मिलेगा? अभी तक कोई दवाई नहीं नहीं मिले सर। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल भी देख लीजिएगा आप। तो यहाँ से गंगालूर करीब 22 किलोमीटर दूर है, 20-22 किलोमीटर? जी सर, हो सकते 22 किलोमीटर दूर। तो जब भी कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे ही लेकर जाते हैं? ऐसे ले जाते सर डॉग के। तो उस एनकाउंटर में जो है एक ग्रामीण और घायल हुआ बता रहे हैं, जानते हो उसको जिसको लेके गए पुलिस वाले? नहीं जानते सर, अभी तक पता ही नहीं चल रहा सर, 10-12 ना, इसलिए अभी तक क्लियर ही नहीं होगा। क्या क्या 10? क्या 10-12 है सर? अच्छा, पीडिया में 10-12 है। जी जी, अभी तक क्लियर ही नहीं होगा सर, किसको पकड़ के लेके गए, किसको मार के लेके गए, पता ही नहीं सर। पूरा 74 मुल्क को लेके गए सर। 74 लोगों को लेके? जी जी। वो लोग कहाँ हैं अभी? उधर ही लेके गए सर, 12 लोगों को मार के लेके गए बोल रहे थे सर, बाकी लोगों को पकड़ के लेके गए जी, 3 जन को वहाँ, औरत लोगों को, औरत लोग गए लाए सर। क्या लाए? 3 जन को बचा के लाए सर। कौन बचा के लाए? औरत लोग। अच्छा अच्छा, गांव के औरत लोग जाके वहाँ से 3 लोगों को बचा के लाए? जी जी। वो लोग कहाँ हैं अभी? घर गए सर। कौन से गांव के थे? यही गांव पिड़िया है सर। और एक जन अंड्री का सर। तो दर्द बहुत ज़्यादा है? जी सर, बहुत दर्द है। तो ऐसे हालात निर्मित हो चुके हैं बस्तर में, बस्तर में चल रही हिंसा प्रति हिंसा के बीच इसी तरह से लोग कभी पुलिस की बंदूक से निकली गोली के शिकार हो रहे हैं, तो कभी नक्सलियों के बंदूक से निकली गोली के शिकार हो रहे हैं। ये मोटू औलम हैं, इन्हें देखकर यही लग रहा है कि ये 16-17 साल के उम्र के होंगे। दुर्भाग्य की बात भी समझिए, इन आदिवासियों को अपनी उम्र का भी अंदाज़ा पता नहीं होता। अभी इनसे उम्र भी पूछ रहे हैं, तो उम्र पता है क्या राकेश? 15 है सर। 15 साल के हैं ये जी। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 17 है सर मेरा। आपका 17 है जी। तो ये 15 साल के मोटू हैं, जिनके जिनको जो है 3 गोलियां लगी हैं, और एक गोली तो बिल्कुल चीर कर निकल गई है, और एक गोली अभी भी इनके जांग में धंसी हुई है। मोटू को जब गोली लगी उस वक्त ये बेहोश हो गए, और ये पुलिस की नज़रों से बचे रहे, जिस कारण ये जो है पुलिस इन्हें इलाज के लेकर नहीं जा पाई। अब परिजनों का कहना है कि इसी तरह चारपाई में कांवड़ उल्टा करके कंधे पे ढोकर इन्हें गंगालूर अस्पताल तक ले जाया जाएगा। अब बेहद दुर्गम रास्ता है इस जगह तक पहुंचना, गंगालूर से पीड़िया तक पहुंचना। किसी भी तरह का कोई एम्बुलेंस या फिर चार पहिया वाहन यहां तक नहीं पहुंच सकता, जिसमें सवार कर मोटू को इलाज के लिए गंगालूर तक ले जाया जा सके। अब बस्तर में चल रही इस हिंसा प्रति हिंसा में इसी तरह से हर रोज़ लोग मारे भी जा रहे हैं, और लगातार कत्लेआम मचा हुआ है, और इन दो पार्टों के बीच आदिवासी इसी तरह से पिस रहे हैं, और इन निर्दोष आदिवासियों की, ऐसे बेगुनाह आदिवासी हर रोज़ अलग अलग तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। इनके साथ अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, इन पे अत्याचार ढाया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण बता रहे हैं कि मुठभेड़ के वक्त, जैसा कि राकेश बता रहे हैं, मुठभेड़ के वक्त इस जगह पे कोई भी नक्सली मौजूद नहीं था। पत्ता तोड़ने गए हुए लोगों को और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर गोलियां से भून दिया गया। अभी भी कई ग्रामीण लापता हैं, कुछ लापता हैं अभी भी। जी, जी। कितने लोग लापता हैं? 74।
74 लोग को तो लेके गए वो तो बता रहे हो जी जी। लापता कितने हैं? 19 लोग हैं सर, अभी तक पता ही नहीं चल रहे जी। तो 74 लोगों को, जिन लोगों को इस गांव से ले जाया गया वो अभी भी लापता हैं, ऐसी जानकारी राकेश दे रहे हैं। तो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने आया, एक दर्दनाक कहानी नज़र आई। मुझे लगा कि ऐसी कहानी भी बस्तर जंक्शन के दर्शकों को दिखाई जानी चाहिए कि कैसे यहाँ हर रोज़ ऐसी दर्दनाक कहानियाँ दफन हो रही हैं। मैं इस वजह से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आता हूँ कि ऐसी कहानियाँ कहीं दब ना जाएं, ऐसे जो दर्दनाक मामले हैं ये कहीं छिप ना जाएं, कहीं दफन ना हो जाएं। तो ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर इस तरह की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट्स होने चाहिए तो आप हमारे रिपोर्ट्स को साझा कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।